हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, ये दोस्तों जैसा कि मैं पहले ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो है मल्टी फंक्शन सेफ्टी वाल के ऊपर। किस पर्पस के लिए बन रही है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मल्टी फंक्शन वाल गीजर के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है, पहला। दूसरी मैंने वीडियो बनाई थी कि टू टाइप्स ऑफ मल्टी फंक्शन वाल, एक होता है दोस्तों वार्शल, एक होता है विदाउट वार्शल। आप हम देखेंगे जो विदाउट वार्शल वाला जो वाल है अभी मेरे पास वो अवेलेबल है, तो जो ये पानी को जो स्पोर्ट करता है उसके अंदर कितने टाइप की स्प्रिंग्स लगी होती है, मतलब कहने का मतलब हम ये देखेंगे कि मल्टी फंक्शन सेफ्टी वाल के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो पानी उसको ऊपर जाता है वापसी आ नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वाल की तरफ, और दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो हम चलते हैं वाल की तरफ। तो ये है दोस्तों विदाउट वाल वाला मल्टी फंक्शन सेफ्टी वाल, जिसके अंदर वाल नहीं होता, एक होता वाल वाला। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी हो वो आप इसमें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों दूसरा कि एक वीडियो जो मैंने बनाई थी हाउ टू यूज मल्टी फंक्शन वाल, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो ये होता है दोस्तों, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये अंदर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये मैं अभी इसको यहां से प्रेस कर रहा हूं तो ये जा रहा है, यानी कि यहां पे कोई स्प्रिंग है। अब हमें देखना है कि मैं इसको काटूंगा तो काटने के बाद पता लगेगा कि किस टाइप की स्प्रिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, हम ज्यादा देर ना करते हुए डाई ग्राइंडर की मदद से इसको हम काट लेते हैं। ये मैंने डाई ग्राइंडर ले लिया है। काफी दोस्तों इसका जो ये जो आप देख रहे हो इसका जो ये जो अपना ब्रास है काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो दोस्तों एक साइड इसकी पूरी डैमेज हो चुकी है, ऐसे हमें इसकी दूसरी साइड भी कर लेनी है। अब लगता है मेरे को इसको थोड़ी देर रख के काटना पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये काफी है, गर्म हो गया है। चलो मैं थोड़ा ऑफ करता हूं इसको, मैं लेता हूं इधर। और अब मैं इसको यहां से पकड़ के काटता हूं, तो ये काफी गर्म हो चुका है। ये तो दोस्तों मैंने ये प्लास ले लिया है, यानी कि प्लायर, इसकी मदद से, क्योंकि काफी ज्यादा ये जो है वाल हीट हो गया है, तो मैं इसको पकड़ के इसकी मदद से काट लूंगा आराम से।
तो ये दोस्तों ये हो गया है, अब हम देखते हैं इसको पूरी तरह से कट चुका है कि नहीं। ये वाली साइड दोस्तों रह गया है, ये छोटा सा पॉइंट है, ये हल्का सा कट एक और लगा देते हैं यहां पे। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो हमारा वाल था, जो मल्टीफंक्शन वाल था, जो अब नहीं रहा, काफी हीट हो गया है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर से ये निकला है, और ये आप देख सकते हो ये होते हैं स्प्रिंग्स कुछ इस टाइप के, ये आप देख सकते हो। तो ये प्लास्टिक का एक सर्कल है, जो भी ये डैमेज हो गया, एक ये स्प्रिंग है, और दोस्तों जो पंप करता है वो दोस्तों ये वाला स्प्रिंग है, ये आप देख सकते हो। ये यहां से इसको अटैच करके, जिसमें कि ये स्प्रिंग जो अब कट चुकी है, आप देख सकते हो पीसीस इसके निकल चुके हैं सारे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो जो मेरे हाथ में पीसीस रखी, ये एक स्प्रिंग था जो इसको ऐसे पंप करने में मदद करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हमारा वाल है, और यहां से ये वाटर इसमें जाने के लिए यहां पे ये रहता है, जिसको ये पुश करता है, ये यहां होता है ऐसे इस तरीके से, जिसको ये पुश करता है ऊपर की तरफ, ये ऐसे दोस्तों, ये यहां से ये पुश करता है। तो देखा आपने कि ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, सिर्फ ये स्प्रिंग्स ही थे। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि कितनी आसानी से हमने सेफ्टी वाल को जो है काट लिया है, वो भी हमारे डाई ग्राइंडर की मदद से। करने को तो हम इसको एंगल ग्राइंडर से काट सकते थे, जो एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेकंड लेता काटते, लेकिन दोस्तों जो हमें क्लियरिटी थी वो, क्योंकि जो एंगल ग्राइंडर होता है उसका 4 इंची ब्लेड होता है, और वो इसको पूरा ही साफ कर देता, अंदर हमें पता नहीं लग पाता। जैसा कि जो अब हमें दिख रहा है, जैसा एक ये स्प्रिंग जो ऊपर नीचे पानी को जो सर्कुलेट करती है, और दूसरा दोस्तों ये जो इसको इसके ऊपर इस टाइप से अटैच होता है, जो अब ये खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। आप ये देख सकते हो ये ब्रास भी काफी हैवी है, ये देख सकते हो अभी भी ये इतना गर्म है, ये साइड वाला ये फिर भी नहीं है, लेकिन ये बहुत गर्म हो चुका है। तो दोस्तों अंदर से खाली होता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जो ये वाला जो होता है इसको अगर हम निकालते हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों गौर से देखना, इसमें एक छेद नजर आ रहा होगा आपको, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अभी। पहले मैं इसको स्क्रू को निकाल लेता हूं, फिर हम ये भी देख लेंगे एक बारी। तो दोस्तों ये मैंने स्क्रू निकाल लिया, अब आप ये देखना इसमें गैप आ जाएगा, वो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ही हल्का लाइट गैप होता है। जैसे ये जो छेद है, अब जैसे कि ये मेरा ये पॉइंट आप देख रहे हो, जैसे अब हमने पानी को कई बार क्या होता है, कई बार क्या बहुत बार ही होता है कि मल्टीफंक्शन वाल्व लगा हुआ है, अगर आप इसे खोलना नहीं चाहते हो और इसको पानी को ड्रेन करना चाहते हो तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हो। तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये वाला, इसको हमें क्या करना होता है, यहां से ऐसे पीछे की तरफ ये खींच जाता है, ये आप देख सकते हो, ये है ये ऐसे यहां पे ये खींचेंगे, ये फ्लैट हो गया तो यहां से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां से आप देख पा रहे होगे तो बहुत आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, ये आप देखिए बहुत ही हल्का हल्का। अब मैं इसको डाउन करूंगा तो आपको बहुत ही ऐसा महसूस होगा जैसे कि इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक, ये देखो, क्योंकि यहीं से रिलीज होता है, इसमें इसके अंदर भी एक स्प्रिंग होती है तो वो खिंच जाती है। तो उसकी जरूरत तो हमें नहीं थी दिखाने की, काटने की, मेन हमारा यही था किस तरीके से यहां से ये स्प्रिंग इसकी वर्क करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों हाँ, ये वाला जो वाल था विदाउट वार्शल वाला था, अब जो हम जो सेफ्टी वाल जो काटेंगे वो वार्शल वाला काटेंगे, वो थोड़ा और हैवी होगा, जिसके लिए हमें ये जो इतना टाइम काटेंगे हम, उसे भी हम डाई ग्राइंडर से ही, एंगल ग्राइंडर से नहीं काटेंगे, उसमें भी दोस्तों इससे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा हैवी होगा, आपने देखा भी होगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।